तो दोस्तों खुशखबरी आ गई है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉकडाउन के बाद यानी कि अनलॉक वन में अपनी परीक्षाओं की तिथि जो है घोषित कर दी है। मैं आपको एक एक परीक्षा की तिथि बताने वाला हूँ, किस दिन कौन सा एग्जाम होगा। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूँ, BEO है इसमें, RO 2016 है जो कि कैंसिल हो गया था, उसका प्री एग्जाम कब होगा, UPSC प्री 2019-2020, असिस्टेंट इंजीनियर और साथ ही साथ अन्य एग्जाम की जानकारी भी आपको हम देंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो आखिर तक देखना है, बीच में बिल्कुल बंद नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों UPSC का कैलेंडर डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले rozgarrizult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान है, rozgarrizult.com बहुत ही ट्रस्टेबल, जेन्युइन और बहुत ही तेज अपडेट होने वाली वेबसाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे UPSC ऑल एग्जाम कैलेंडर 2020-21 आ गया है, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक और वेबसाइट बता देता हूँ, फिर हम कैलेंडर पे बात करेंगे। दोस्तों हमारी दूसरी वेबसाइट है sarkaririzult.com। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की और भारत की नंबर वन वेबसाइट। लेकिन ध्यान है, जब भी सरकारी रिजल्ट बोलना है लास्ट में .com जरूर लगाना है, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई हैं। इसलिए आप लोगों को पहचान लीजिए, .com चेक कर लीजिए और यहाँ पे आपको देखिए रिजल्ट सेक्शन मिल जाएगा UPSC एग्जाम कैलेंडर। तो चलिए दोस्तों हम इसको डाउनलोड कर लिया है हमने, 9 जून को ये जारी हुआ है। कैलेंडर की बातें आपको पहले बता देते हैं, पहले मुख्य बातें बता देते हैं। एग्जाम जो है UPSC के 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 13 फरवरी 2021 तक चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो एग्जाम UPSC कंडक्ट कराने जा रहा है वो है सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसको कि APO कहते हैं। उसका मेन्स एग्जाम 2018 का 18 जुलाई 2020 को होने वाला है। इसके बाद जो एग्जाम होगा वो UPSC का होने वाला है। मेन परीक्षा 2019 की जो आपको पता है भी काफ़ी दिनों अटकी हुई है, वो एग्ज़ाम 25 जुलाई 2020 से स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद यानी दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम खंड शिक्षा अधिकारी, जिसको कि आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी जानते हैं, इसका एग्ज़ाम 16 अगस्त 2020 को है, प्री वाला। इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट यानी कंप्यूटर सहायक का एग्ज़ाम 23 अगस्त को है। समीक्षा अधिकारी, जी हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम 2016 वाला, जिसकी जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था, ये एग्ज़ाम पुनः होने वाला है 13 सितंबर 2020 को। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो होगा वन संरक्षक वाला, वो 19 सितंबर को होने वाला है। और दोस्तों हमारी सबसे बड़ी दूसरी खबर, सातवां वाला नंबर आप देख सकते हैं, UPSC प्री, जिसके के भी रिजेक्टेड कैंडिडेट के लिए सभी कुछ दिन पहले ही जारी हुई थी, उसका एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2020 को होगा। साथ ही साथ ACF RFO भी जो है इंक्लूड है, यानी 11 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो राज्य यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर वाला है, जो 1 नवंबर को होने वाला है। ये उनका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, वो 22 नवंबर को होना है। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की मेंस के एग्ज़ाम 6 दिसंबर को होना है। और इसी तरह मैं आपको बता दूं, RO की मेंस 2016 की परीक्षा 22 दिसंबर को होना है और UPSC मेंस 2020 22 जनवरी 2021 को होना है। सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी के एग्ज़ाम 13 फरवरी 2021 को होना है। तो दोस्तों ये रहा पूरा कैलेंडर, इसको आप अपने मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं और इसको आप rozgarrizult.com और sarkaririzult.com पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।